हेलो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है LS 460, 2009 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसके जो स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग की लाइट आ रही है इसके अंदर। यहाँ लिखा भी आ रहा है चेक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। आपको पता ही है इस गाड़ी में सिस्टम है ये, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ लिखा आता है मीटर के अंदर, ये देखो चेक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। और इसका स्टीयरिंग जो है वो बहुत हार्ड है, काम नहीं कर रहा है। इस गाड़ी को मैं स्कैन भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ, शेयर करता हूँ लोगों के साथ। कोड अगर अलग हो तो वीडियो करूँगा अपलोड, अगर कोड पहले जैसा हुआ सेम तो नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी पड़ी हुई है स्टीयरिंग की इसके ऊपर। पावर सप्लाई सेंसर कोड नया है इंशाल्लाह। देखो C1522 ये कोड गाड़ी के अंदर है, पावर सप्लाई सेंसर। पावर सप्लाई सेंसर क्या होता है? स्टीयरिंग के जो ऊपर एक सूट होता है बड़े वाला, जिसमें तीन वायर होती है मोटी मोटी वायर, उसको बोलते हैं सप्लाई सेंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं इसको अभी डालता हूँ कोड को वाल डाटा में, आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें ख़राब हो सकता है, ज़्यादातर कंप्यूटर का मसला रहता है ख़राब होने का इस कोड में, ठीक है ना। उसको चेक कैसे कर सकते हैं अभी हम पता आप लोगों को बताएंगे। पहले मैं एक कोड डालूंगा वाल डाटा में, उसके बाद करता हूँ क्लियर। क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। ओह फिर आगे लाइट, देखो क्लियर हो गया था वो कोड, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो करंट में आ गया कोड, ठीक है। तो गाड़ी में यानी मसला है, प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, ठीक है। लाइट आगे देख लो आप। तो इस कोड को मैं डालता हूँ ऑल डाटा में और आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप। वैसे इसमें ख़राब ज़्यादातर होता है कंप्यूटर, वायरिंग इशू भी हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरा ऑल डाटा रहा, तो मैं दिखाता हूँ अच्छे से। मैं लाइट बंद कर लेता हूँ गाड़ी की, मोबाइल की। C1522 कोड है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पिक्चर को। ट्रबल एरिया में बता रहा है वो, वायरनेस वायर हार्नेस पावर स्टीयरिंग मोटर बोल्ट इंटर पावर स्टीयरिंग गियर असेंबली और पावर स्टीयरिंग ईसीयू, यानी या तो पावर स्टीयरिंग ख़राब है या ईसीयू ख़राब है या उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। सारा एरिया ट्रबल एरिया यही है। आगे चलते हैं, आगे से मैंने बता दिया है उसमें तीन वायर होती है जी, रही पावर स्टीयरिंग ईसीयू से और पावर स्टीयरिंग में जाता है, ठीक है। ये पावर स्टीयरिंग ईसीयू है, ये पावर स्टीयरिंग मोटर है, ठीक है। इसमें तीन वायर है। आगे चलते हैं, ये रही ये सॉकेट लगा हुआ है, ये सॉकेट है उसका कंप्यूटर का, एक सॉकेट कंप्यूटर का है और एक सॉकेट है स्टीयरिंग का, ठीक है। ये आपको चेक करना है, ये इसके वोल्टेज आ रहे हैं आप लोग देख सकते हो, 1 2 3, ये करंट इसमें आएगा। आगे चलते हैं, क्या बता रहा है ये देख लो, ये है वो सॉकेट, बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मोटर सेंसर सर्किट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसका ट्रबल एरिया यही है, ठीक है, और कोई ट्रबल एरिया इसका नहीं है। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। वो कोड जो आ रहा है वो इस सॉकेट का है, ठीक है। यहाँ भी क्या कर रखा है ये देखो, वो कोड इसका है, ठीक है। इसको चेक करते हैं यहाँ से निकाल के कि सही है कि ख़राब है या लूज कम्युनिकेशन है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका है वो, इसको एक बार देखें निकाल के, अंदर कचरा वचरा तो नहीं आ रहा इसके, ठीक है। बस वो कोड इसका ध्यान में रखें आप। एक आता है कोड वेल्डिंग फ्यूलर, मोटर वेल्डिंग फ्यूलर, वो कोड भी इसी का होता है, उसका ही ख़राब होता है अंदर से, ठीक है। अगर मोटर वेल्डिंग फ्यूलर कोड आ रहा है तो उसका ही ख़राब होता है स्टीयरिंग पूरा, ठीक है। ये आ रहा है कोड पावर मोटर सेंसर, तो वो कोड भी इसी का ही है, तो देखते हैं इसको, ठीक है।
मैंने इसका सब कुछ खोल लिया, देखो यहाँ ये लगा रहता है, इसको खोलना पड़ता है इसका। ये चेक करता हूँ मैं, यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहे। गाड़ी की इग्निशन ऑन है, ठीक है, और आप यहाँ से चेक करोगे बिना गाड़ी स्टार्ट किए चाबी ऑन करके, तो यहाँ एक में करंट शो करेगा, बस रीडिंग शो करेगी एक एक पिन में। वो भी चेक कर लेते हैं हम, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ये देखो, ये देखो, और ये इसमें आ रही है, ठीक है, 1.62 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक में शो करता है। अब चेक करेंगे इसको लगा के और गाड़ी स्टार्ट करके, इसको लगा देते हैं। और आप चेक करेंगे यहाँ, यहाँ आएंगे 12 वोल्टेज तीनों बार वायरिंग में, ठीक है, इसको लगा के मैं चेक करता हूँ अभी गाड़ी स्टार्ट करके, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ तीन वायर है, तीन वायर में आएंगे 12 वोल्टेज, आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी आ रहे हैं। तो यानी इसका स्टीयरिंग ख़राब है, अभी स्टीयरिंग आप लोगों को चेक कराता हूँ, ठीक है मेरे पास, मैं अभी चेक कराता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने एक वो लगाया है स्टीयरिंग टेम्परेली, जो इसका ओरिजिनल है वो वहीं लगा हुआ है, मैंने एक टेम्परेली स्टीयरिंग लगाया ओनली चेक करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मुझे बोलता है सर तुम्हारे पास तो स्टीयरिंग रहता है स्पेयर में, तो भाई सही बात है तुम्हारी, मैं इनका डे काम करता हूँ, मेरे पास सामान रहता है, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हो फॉल्ट कहाँ पे है। अब मैंने आपको चेक करके दिखाया, वो कोड था इस सेंसर का, ठीक है, यानी इसका ये सेंसर ख़राब है, या आप इसको इस सेंसर को आप चेंज नहीं कर सकते, पूरा स्टीयरिंग चेंज होगा। एक कोड होता है मोटर वेल्डिंग फ्यूजर, वो भी आप चेक इसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप चाबी ऑन करके चेक करोगे तो यहाँ एक में रीडिंग शो करेगा, और गाड़ी स्टार्ट करके चेक करोगे तो यहाँ तीन वायर में 12 वोल्टेज आएंगे। अगर यहाँ 12 वोल्टेज आ रहे हैं तो खास कंप्यूटर ये स्टीयरिंग ख़राब है। तो मैंने इसमें टेम्परेरी लगाया है अभी स्टीयरिंग, अब जाकर हम चेक करेंगे, ठीक है, चलते हैं गाड़ी के ऊपर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी देखते हैं, पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखो लाइट चली गई स्टीयरिंग की, ठीक है, और अब देखना यहाँ स्क्रीन में लिखा भी ना रहा होगा, चेक ब्रेक सिस्टम लिखा रहा है, चेक पीएससी लिखा रहा है, ब्रेक इन्फेक्शन लिखा रहा है, चेक एफएस लिखा रहा है, चेक एफएस लिखा रहा है, ठीक है, लाइट गाड़ी के अंदर नहीं है स्टीयरिंग की। एक बार मैं कोड चेक कर देता हूँ, EMPS ये रहा नोटेबल कोड। अगर कोड आ रहा है मोटर वेल्डिंग फ्यूजर का, वो भी आप चेक इसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने आपको अभी चेक करके बताया है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश ऑन करके चेक करोगे तो वहाँ एक वायर में रीडिंग शो करेगा, वो गाड़ी स्टार्ट करके चेक करोगे तो वहाँ तीन वायर में 12 वोल्टेज आएंगे, ठीक है, समझ गए तुम, इसका स्टीयरिंग ख़राब है। सुपर सुपर से आई होप आप समझ गए होंगे मैंने कैसे कोड को क्लियर किया है, आपको मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे स्टीयरिंग के ऊपर, मैंने समझाया अच्छी तरीके से, बट फिर भी मुझे लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं सर मेरे गाड़ी में ये कोड है, ये क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में कोई कोड भी नहीं है और स्टीयरिंग की लाइट जा रही है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या अल्लाह खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखे और हमें दुआ में याद रखे। भाई मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है किस लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही,
बट क्या भाई, मैं भी बिजी रहता हूँ क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा खुद अपना खुद का काम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ। जब भी मैं फ्री होता हूँ आपको मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, जो मेरे पास डायग्राम होगा मैं सेंड भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है, बट फ्री टाइम में। तो या अल्लाह खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखे और हमें दुआ में याद रखें।